हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म्स। जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म्स को डिस्कस करने वाले मैं फ्रेंड्स, तो बहुत से सारे टॉपिक्स यहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो कोई केसेस जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेट थे करते थे, तो वो हम केसेस भी इन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो चुका हो गया। तो माई फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं ना, क्या कहते हैं ना उसे, कि आपको बोर हो जाएगा सुनने में। तो हम इन शॉर्ट में कि ये केसेस रिलेटेड केसेस प्रेजेंट में जो जुडिशियल एक्टिविज्म्स के रिलेटेड केसेस है प्रेजेंट में, तो हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे उस केसेस के भी और जुडिशियल एक्टिविज्म्स के भी, है ना माय फ्रेंड्स। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जुडिशियल रिव्यू को डिस्कस किया था, क्या था जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 12 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, विच इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने इन डेप्थ में डिस्कस किया था आफ्टर द केस वन एंड द भारती केस एंड 24 अप्रैल 1973 के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पूरी लॉज को एप्लीकेबल होता है ना, वो हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी माय फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म्स को शुरू करने से पहले अकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन करने और यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं माय फ्रेंड्स। तो एक दूसरा एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जो कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज डिपेंड होती है आपके पेपर वन जीएस पर, जो कि जितना भी सिलेबस आपको पेपर वन जीएस में होता है यूपीएससी सीएससी का, उतना ही सिलेबस यहाँ पर होगा। तो आपके अगर आप इसका मॉक टेस्ट का स्टडी करते हैं माय फ्रेंड्स, तो पेपर वन जीएस का भी आपका स्टडी ओवरऑल में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है माय फ्रेंड्स। तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो इस मॉक टेस्ट में, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अकेडमी का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अकेडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव एनी चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स से आप मिल सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, कैसे उन्होंने लॉजिकली आंसर्स को सॉल्व किया था, है ना, और उनके एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको सुनने मिल सकता है उनसे, और टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को मिल सकता है, और अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है माय फ्रेंड्स, इसके कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई एनरोलमेंट फी नहीं है। तो जरूर एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। और ये मॉक टेस्ट आपको कब अवेलेबल होंगी माय फ्रेंड्स, जो कि होती है 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं अनअकैडमी सॉरी यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को, तो आप अपना प्रिपरेशन माय फ्रेंड्स अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं। तो आपको एक बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हजारों बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स, तो कोई लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल जाएगा, एग्जास्टिव कवरेज आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, और लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है अपने आप में टेस्ट सीरीज। और स्टडी मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आंसर राइटिंग सेशंस जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है माय फ्रेंड्स। तो आंसर राइटिंग सेशंस बहुत जरूरी होते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ यूपीएससी सीएससी का नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम्स का भी अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो माय फ्रेंड्स, तो आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कैसे आपने आपका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए एग्जाम्स में, और कैसे ज्यादा से ज्यादा आपका मार्क्स किस टॉपिक से किस स्ट्रेटेजी से आपको मिल सकते हैं, और कम समय में कितने ज्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो वो सब आपको सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अकेडमी सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, मींस भरपूर मिल जाएगा, अनलिमिटेड मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। तो इतने सारे बेनिफिट्स कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं देंगे, तो ध्यान में रखिए। तो जरूर जुड़ जाइए अकेडमी के साथ, और सिर्फ इतना नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, ऐसे आंसर राइटिंग सेशन आपको मिलेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलेगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिलेंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा। यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर माय फ्रेंड्स के इंटरव्यू प्रिपरेशन तक अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड कर रहा है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी कोर्सेस को। तो ये कोर्सेस 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में सीखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारे बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, और इंग्लिश वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है बाय टॉप एजुकेटर, फुल सिलेबस कवरेज, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको मिलेगा माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेस को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो भी फ्री में अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए। तो जल्द से जल्द अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और करंट अफेयर्स का पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए माय फ्रेंड्स।
है ना। तो चलिए ये मेन पार्ट, अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं एकेडमी की कोर्सेज को, किसी भी कोर्सेज का, 1 मंथ के, 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, 12 मंथ्स के, 24 मंथ्स के, किसी भी कोर्सेज का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इमीजिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, 10% इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 24 मंथ्स पे अगर आप 64,000 पे कर रहे हैं माई फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, मीन्स 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी को कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन खरीदिए और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको सब PPTs PDF वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। जितना भी आपको UPSC प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे माय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म्स को डिस्कस करते हैं ना माय फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड पार्ट बहुत आ जाते हैं। और करंट अफेयर्स में ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म्स के टॉपिक पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस UPSC 2020 में, और पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी जुडिशियल एक्टिविज्म्स के बेसिस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने एनालिसिस किया होगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का और प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस, तो आपने देखा होगा। नाउ अब मैं तुमको एग्जांपल दूंगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म्स क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन, व्हाट इज द डिटेल्ड डिफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म्स माय फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर जजेस के पास केस आया, कौन सा भी रीजन से अगर जजेस के पास केस आता है तो वो प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय द लॉ करते हैं और अपना डिसीजन सुना लेते हैं। यहाँ पर जजेस का क्या होता है, प्रोसेस खत्म हो जाती है, जजेस का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है ना। तो जजेस के पास केस आया, जजेस ने प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय द लॉ किया और फिर अपना डिसीजन सुना दिया, यहाँ पर तो खत्म हो जाता है जजेस का क्या काम, खत्म हो जाता है। बट वहाँ क्या होता है ना, बट जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे कहते हैं ना माय फ्रेंड, जुडिशियल एक्टिविज्म जो ये टर्म है तो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई बाय आर्थर श्लेसिंगर 1947 में। तो आर्थर श्लेसिंगर जूनियर जो हम बोलते हैं कि इन्होंने 1947 में ये जुडिशियल एक्टिविज्म्स को इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और जुडिशियल एक्टिविज्म्स के एक डिफिनेशन यहाँ पर बताएं 1947 में प्रैक्टिकली और थेरोटिकली भी। तो जस्ट का क्या क्या होता है माय फ्रेंड्स, तो जस्टिस करना है ना, तो आप कुछ भी करो आप जस्टिस करो है ना, आप जस्टिस हमें लेकर दो, यही काम होता है जस्ट का। तो वो जस्टिस करने के लिए अपने ऑफिस के से स्टेप आउट करते हैं है ना, अपने बैरियर्स को तोड़ते हैं, अपने डिसिप्लिन को, अगर रूल्स को तोड़ते हैं सिर्फ जस्टिस पाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं माय फ्रेंड्स, जुडिशियल एक्टिविज्म्स। आपको समझ में आएगा क्या एक्टिविज्म्स होता है जुडिशियल एक्टिविज्म्स। अगर जजेस का काम क्या होता है, जस्टिस करना, कि अगर वो जस्टिस करने के लिए अपने बैरियर्स को तोड़ते हैं है ना और अपने ऑफिस से स्टेप आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म्स। अब हमारे पास के जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर और जस्टिस P.M. भगवती जैसे ये ग्रेटेस्ट जो जस्टिस थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म्स को डिफाइन किया था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म्स को 90s में डिस्कवर किया था और इंट्रोड्यूस किया था बड़ी अच्छी तरह से। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है आर्थर श्लेसिंगर ने 1947 में, और 90s में जो प्रैक्टिकली यूज हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म्स का वो किया था V.R. कृष्ण अय्यर ने और जस्टिस P.N. भगवती ने है ना। ऐसे कई सारे जस्टिस ने जुडिशियल एक्टिविज्म्स का यूज़ किया था और जस्टिस दे दिया था लोगों को है ना, जस्टिस उन्होंने लिया था वहाँ से। मैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, इन अदर वर्ड्स जुडिशियल एक्टिविज्म्स इज नथिंग बट के अपने बैरियर्स को तोड़ना है ना, तो फॉर द जस्टिस, अपने बैरियर्स को जस्टिस के लिए तोड़ना, अपने रूल्स को जस्टिस के लिए तोड़ना और अपने लिमिटेशंस को जस्टिस के लिए तोड़ना, वही होता है जुडिशियल एक्टिविज्म्स। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म्स। अब अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म्स को सीखना चाहते हैं माय फ्रेंड्स है ना, अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म्स को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को आपको समझना होगा है ना। क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, वैसे हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो निकलेगा उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को हम इन डेप्थ में डिस्कस करने ही वाले हैं, बट अगर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म्स को समझना है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का एक इंट्रो मैं देना चाहूंगा, जो कि हमारे अगले वीडियो में इन डिटेल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हम क्लियर करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होता क्या है। बट यहाँ पर मैं इंट्रो देना चाहूंगा, अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म्स को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और कहाँ यूज़ किया जा सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म्स का और किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, तो वो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से देखेंगे। मीन्स अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म्स यूज़ होता हुआ हमें कहा दिखता है कि वो यूज़ होता हुआ दिखता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में है ना माय फ्रेंड्स, बट द क्लियर एंड एग्जैक्ट
मैनिफेस्टेशन जिसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म्स वो नजर आता है हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। इसे वह तो बहुत सारे टॉपिक्स में हम जुडिशियल एक्टिविज्म्स को यूज़ करते हैं, बट क्लियर मैनिफेस्टेशन अगर आपको चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म्स का तो वो मिलता है आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या कहा है माई फ्रेंड्स के कॉन्सर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ये लार्जर बहुत ही क्रुशियल वर्ड है यहाँ पर। तो कॉन्सर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कि जहाँ तो अपने आप बैरियर को तोड़ सकते हैं आप फॉर दी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए, फॉर दी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको पता एग्जाम्पल देता हूँ कि कॉन्सर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कहते किसे हैं। तो माई फ्रेंड्स के अगर कोई आदमी चेन्नई में रहता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आदमी चेन्नई में रहता है और वो एक PIL साइन करता है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को अपील करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अपील करता है कि यहाँ पर गंगा का पानी जो है ना, गंगा का पानी दिन ब दिन क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है, और वहाँ पर बहुत ही क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पर सिटीजन्स को। तो वो क्या होता है ना, अब गंगा दिन ब दिन पोल्यूटेड होती जा रही है, ऐसे PIL अपील करता है तो उसे जजेस भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये देश के हित में है, ये अच्छा काम कर रहा है आदमी, तो उसे जजेस भी सपोर्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसे मिरर करता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है ना, ये बहुत ही अच्छी बात कर रहा है, तो ये इसे जजेस भी सपोर्ट करते हैं और कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वेरी क्लासिकल मैनिफेस्टेशन अगर आपको देखना है जुडिशियल एक्टिविज्म का, क्लासिकल मैनिफेस्टेशन अब इन डिटेल में जुडिशियल एक्टिविज्म अगर आपको देखना है प्रैक्टिकली तो आपको दिखेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में। समझ में आ गया व्हाट इज द एग्जांपल मैंने कैसे समझाया आपको, व्हाट इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म्स और कॉन्सर्न सिटीजंस इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यूज होता है, दैट इज PIL। तो हम आगे देखेंगे कि रीजंस क्या होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को यूज करने के और जुडिशियल एक्टिविज्म्स को यूज करने के, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो क्या मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्यों मैं अप्लाई करता हूं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के जिस गवर्नमेंट को मैंने, माय फ्रेंड्स समझ के लीजिए कि जिस गवर्नमेंट को मैंने चुनकर दिया है ना, तो वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो मेरे मुझे जस्टिस दिलाने को ये तैयार नहीं है, है ना माय फ्रेंड्स। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट इरिस्पॉन्सिबल होता है ना, जितना ज्यादा और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है उतना ही ज्यादा PIL पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है माय फ्रेंड्स, है ना। तो उतना ही ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर प्रेशर बढ़ता रहता है, तो फिर जजेस को क्या लगता है, हम ऐसे थोड़ी ना बैठेंगे, हम ऐसे हाथ धरे बैठे ना, हाथ पर हाथ डाले थोड़ी ना बैठे, हमें जस्टिस के लिए कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ हाथ पर हिलाने चाहिए हमें जस्टिस के लिए, है ना। तो जजेस क्या बोलते हैं, लेट्स डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए, हम ऐसे नहीं देख सकते, है ना, किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है ना, वो तड़प रहा है, तो हम ऐसे नहीं देख सकते, गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, तो हम ऐसे थोड़ी ना बैठ सकते। तो उसे कहते हैं जुडिशियल इंथोजियाज्म। तो जुडिशियल जो पावर होता है, जो जजेस होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं जस्टिस को देने के लिए, जस्टिस पाने के लिए, है ना। तो और दूसरी तरफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ लिखा हुआ है, अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म्स के जरिए किसी को जस्टिस देना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर पावर दिया जाता है कि आप जस्टिस दे सकते हैं थ्रू दी जुडिशियल एक्टिविज्म्स, है ना। आप अपने पावर्स को यूज कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है पावर जुडिशियल एक्टिविज्म्स के, तो वो पावर्स को आप यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आपको क्या कर सकते हैं, आप जस्टिस दे सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी, अभी लेजिस्लेटिव वैक्यूम्स किसे कहा जाता है, है ना, किसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव वैक्यूम्स, अगर किसी भी रीजन से और किसी भी सर्टन चीज पर अगर कोई लॉ नहीं बना है माय फ्रेंड्स, है ना, तो लॉ नहीं बना है तो ऐसा थोड़ी ना वहां पर आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा कहा तो लिखा नहीं हुआ है। तो अगर आपको उस चीज पर लॉ नहीं बना है, उस पर्टिकुलर चीज पर लॉ नहीं बना है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज आपके साथ हो जाती है, है ना। तो वो चीज पर अगर लॉ नहीं बना है तो ऐसा थोड़ी ना हम नहीं समझ सकते कि उस चीज को हमें जस्टिस नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है ना। ओके, हम इसके लिए क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप उठाते हैं। एक्स्ट्रा स्टेप किस रूप में उठाते हैं हम, दैट इज PIL। अगर उस पर्टिकुलर चीज पर लॉ नहीं बना है तो हमें जस्टिस पाने के लिए हम एक्स्ट्रा स्टेप उठाते हैं, उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, है ना, दैट वी वांट जस्टिस, उसके थ्रू हम जस्टिस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं उस सर्टेन चीज पर ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कहते हैं नीड फॉर जस्टिस, जिसे हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं क्या हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या काम करता हूं। अगर मैं जजेस हूं माई फ्रेंड्स, तो मेरा काम क्या है कि जस्टिस देना, है ना, तो मेरा काम क्या है जस्टिस देना, तो किसी भी तरह से मैं जस्टिस दे सकता हूँ, है ना, थ्रू PIL मैं जस्टिस दे सकता हूँ, जुडिशियल एक्टिविज्म्स को यूज करके मैं जस्टिस दे सकता हूँ, अपने बैरियर्स को तोड़ के मैं जस्टिस दे सकता हूँ, है ना, दैट्स कॉल्ड नीड फॉर जस्टिस, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है अपने आप में। तो ये हमने रीजंस डिस्कस किए कि रिस्पॉन्सिबल, अगर इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जाता है तो हम जब PIL रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जुडिशियल इंथोजियाज्म ले सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को,
जुडिशियल एक्टिविजम्स को यूज़ करने के लिए और जस्टिस देने के लिए लोगों को, और लेजिस्लेटिव वैक्यूम्स मीन्स अगर आप किसी भी तरह का सर्टेन चीज़ पर लॉ नहीं बना है तो आपको अगर जस्टिस चाहिए तो आप थ्रू पीआई वो जस्टिस ले सकते हैं, है ना। नीड फॉर द जस्टिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना माय फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, ये कैसे प्रोसेस होती है जुडिशियल एक्टिविज्म्स की, तो हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म्स इज डन, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये क्या करेंगे, क्या सिविल राइट्स ग्रुप है, कंज्यूमर राइट्स ग्रुप है, लॉयर्स है, बार एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, एनजीओज दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें जिसे कहते हैं, और नीड फॉर जस्टिस, है ना। अब ये जो सारे ग्रुप्स होते हैं माय फ्रेंड्स, अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई क्या चीज़ हो जाती है ना, तो आपको अगर उस पर्टिकुलर चीज़ में जस्टिस चाहिए जिस पर लॉ ही नहीं बनाए, उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप ये पीआईएल साइन करते हो, पीआईएल के थ्रू जस्टिस मांगने को मांगते हो, है ना, पीआईएल के थ्रू जस्टिस मांगने तो तैयार हो जाते हो, तो आप अब ऐसा समझो मत कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो, आप सिविल राइट्स ग्रुप के साथ अपने अपील को शेयर कर सकते हैं, कंज्यूमर राइट्स ग्रुप के साथ अपने अपील को शेयर कर सकते हैं, लॉयर्स बार एसोसिएशन से इनके साथ अपने क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, एनजीओज है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स बने हैं इंडिया में, तो वो थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म्स क्या करेंगे, आपको जस्टिस दिलाएंगे, है ना। तो नीड फॉर जस्टिस भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये जो होता है ना, ये इन ग्रुप्स के जरिए आप जस्टिस ले सकते हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सिविल राइट्स ग्रुप भी है, आपके साथ कंज्यूमर राइट्स ग्रुप भी है, आपके साथ लॉयर्स है, बार एसोसिएशन के, एनजीओ है आपके साथ, इनके थ्रू आप एक भी ग्रुप्स में अगर चले जाते हो तो मुझे जस्टिस चाहिए इस पीआईएल के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, है ना, तो आपको ये जस्टिस मिल सकता है माई फ्रेंड्स, है ना माई फ्रेंड्स। तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे वाई इट इज रिस्की, वाई जस्टिस एक्टिविज्म इतना रिस्की होता है। तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिस्की कैसे होता है माई फ्रेंड्स, कि जो जजेस होते हैं हमारे, तो वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं, उन्हें डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किया हुआ होता है ना माई फ्रेंड्स, तो अनडेमोक्रेटिक होते हैं, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स नहीं होते वो, है ना। तो और दूसरी बात क्या है कि वो गवर्नमेंट के पर्सनल चीज़ों में स्पेशलिटी कर सकेंगे क्या, वो गवर्नमेंट के पर्सनल चीज़ों में इन अदर वर्ड्स हम इंटरफेयर कर सकेंगे क्या, है ना, ये भी एक सवाल उठता है। अगर गवर्नमेंट्स के क्या होते हैं ना, आप राफेल पर लड़ सकेंगे क्या, राफेल का अगर कोई मैटर हो जाता है तो राफेल पर आप लड़ सकेंगे क्या, आप जीएसटी के मैटर्स पर लड़ सकेंगे क्या, आप इकोनॉमिक मैटर्स पर लड़ सकेंगे क्या, आप मतलब इन अदर वर्ड्स आप गवर्नमेंट के क्या होता है ना इंटरनल अफेयर्स को इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं क्या, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है ना माय फ्रेंड्स के। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप इन ऑल अदर्स क्या कर रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा जस्टिस एक्टिविज्म्स को यूज करते हैं, तो आप गवर्नमेंट्स के यूनियन के क्या जाते हैं, क्या जाते हैं, यूनियन के आप अपोजिशन में जाते हैं, तो आप अपोजिशन में जाता है, ये स्पेशलिटी लेना ये जरूरी होता है क्या, ये जरूरी है क्या, पॉसिबल है क्या। तो अब क्या होता है ना कि आपको मालूम है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स होते हैं, है ना, तो अगर इसे रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है, अगर क्या क्या कल के कोई जज ने आफ्टर द डिसीजन जज क्या हो गए रिटायर हो गए, तो आगे जाकर उस डिसीजन के बाद में कोई 19-20 हो गया या कोई भी एक क्या हो गया राइट्स हो जाते हैं और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, उसके रिस्पॉन्सिबल अगर तो जुडिशियरी पावर तो नहीं रहेगा, जुडिशियल तो नहीं रहेंगे, जजेस तो नहीं रहेंगे उसके रिस्पॉन्सिबल। जजेस का काम क्या होता है, हमने पहली बार मैं तुमको समझा दिया हूँ कि जजेस का काम क्या होता है माई फ्रेंड्स, के जस्टिस देना, आप किसी भी तरह जस्टिस देना, तो आपको बाद में कोई भी कुछ भी हो जाता है उसके ऊपर, तो आपको उस क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ इतना काम है कि जस्टिस देना, आपकी प्रोसेस वही खत्म हो जाती है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या है ना कि गवर्नमेंट तो आंसरेबल हो सकती है बिकॉज गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट यहाँ पर जजेस क्यों अनआंसरेबल होते हैं, क्यों आंसरेबल नहीं हो सकते जजेस, बिकॉज इट इज अनडेमोक्रेटिक, यू नो इनको पब्लिक्स ने क्या किया है, इलेक्ट नहीं कर दिया है, ये अनडेमोक्रेटिक है, तो वो आंसरेबल नहीं हो सकते, तो ये भी एक वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए वो रिस्की होता है जस्टिस एक्टिविज्म्स को, जुडिशियल एक्टिविज्म्स को यूज करना, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है, इनफोर्सिबिलिटी, इनफोर्सिबिलिटी तो अगर जुडिशियरी ने एक लॉ पास किया माय फ्रेंड्स, है ना, कि जुडिशियल एक्टिविज्म्स को यूज करके एक लॉ पास कर दिया, जुडिशियल ने एक लॉ इन्फोर्स कर दिया, तो अगर उसे एग्जीक्यूटिव नहीं मान रहा है, उसे लेजिस्लेटिव नहीं मान रहा है, और उसे पीपल आर फेल टू ऑबे दिस लॉ, तो किसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, किसकी वैल्यूज कम हो रही है माय फ्रेंड्स, तो वो हो रही है, किसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो हो रही है लॉस की वैल्यू कम हो रही है माय फ्रेंड्स। अगर जुडिशियल किसी भी तरीके से लॉ इन्फोर्स करता है, लॉ पास कर देता है, अगर वो एग्जीक्यूटिव नहीं मान रहा है, अगर वो लेजिस्लेटिव नहीं मान रहा है, अगर वो पीपल आर फेल टू ऑबे दिस लॉ, तो उसमें यहाँ पर वैल्यू कम हो जाती है लॉस की। आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट का सिस्टम ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है माय फ्रेंड्स, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव आर इम्प्लीमेंट द लॉज, लेजिस्लेटिव आर मेक द लॉज, एंड जुडिशियरी आर प्रोटेक्ट द लॉज, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये अगर क्या होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है जुडिशियरी से,
अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो ये जो साइकिल चली हुई होती है, साइकिल जो चल रही होती है, वो क्या होती है, क्या होती है, वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है माय फ्रेंड्स, है ना। तो यही वहां पर इन्फोसिबल लीडी करना यहाँ पर भी एक रिस्की हो जाता है। और बैलेंस ऑफ पावर्स, मैंने आपको अभी बोला कि आपको तीन चीजों पर डिफरेंस है, डिपेंड है यहाँ पर, कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और क्या होता है लास्ट का जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव आर इम्प्लीमेंट द लॉ, लेजिस्लेटिव आर मेक द लॉ, जुडिशियल आर प्रोटेक्ट द लॉ। तो ये पावर्स जो होते हैं, ये साइकिल जो होती है बाय द यूज ऑफ जुडिशियल एक्टिविजम्स, ये क्या होती है, इम्बैलेंस होने लगती है, है ना। तो इम्बैलेंस होने लग गई तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर पूरा क्या खत्म हो जाता है, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये पर बहुत ही रिस्की चीजें हैं जुडिशियल एक्टिविजम्स को यूज करने के। नाउ अब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जब आप जुडिशियल एक्टिविजम्स को यूज करते हैं, जुडिशियल एक्टिविजम्स के जरिए या पीपल लिगिटेशन के जरिए, पीपल इंटरेस्ट लिगिटेशन के जरिए आप अगर किसी भी चीज का अगर क्या कहते हैं ना जस्टिस आपको लेना होता है, तो वहां पर क्या रिस्क होता है कि बैलेंस ऑफ पावर्स वहां पर इम्बैलेंस हो जाता है, है ना, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये रिस्की होता है यूज करना। अगर आपको याद है कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जो हमने जुडिशियल रिव्यू में डिस्कस किया था कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड जुडिशियल एक्टिविजम्स ना का बैलेंस मेंटेन करते हो, अगर आप कि जुडिशियल एक्टिविजम्स को यूज करते वक्त जुडिशियल रिस्ट्रेंट का और जुडिशियल एक्टिविजम्स का बैलेंस आप अगर मेंटेन करते हो, तभी आपका जुडिशियल एक्टिविज्म सक्सेस हो सकता है, तभी आपको सक्सेसफुली जस्टिस मिल सकता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे इस जुडिशियल एक्टिविज्म्स का, तो आपके अनडेमोक्रेटिक तो है, स्पेशलिटी नहीं ले सकता, इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आप, इन्फॉसिबिलिटी आप कर नहीं सकते, और बैलेंस ऑफ पावर्स आपके इम्बैलेंस हो जाता है वो स्ट्रक्चर, है ना माई फ्रेंड्स। तो जुडिशियल एक्टिविज्म्स की सक्सेसफुली जब आप पास कर सकते हो, सक्सेसफुली जब इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जब यूज कर सकते हो उसका, कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास बैलेंस ऑफ पावर्स होगा, है ना। तो सब बैलेंस ऑफ पावर्स होगा तभी आप जुडिशियल एक्टिविज्म्स को यूज कर सकते हैं, तभी आप जुडिशियल एक्टिविज्म सक्सेसफुल ठहरा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये था हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा माय फ्रेंड्स, तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करना जरूर ना भूलें, और क्या करते हैं ना, अनअकैडमी कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीजिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जिसमें आपको PPTs, PDF, हैंडआउट सब कुछ मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।